मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। कल लेट नाइट हम घर को आए, उसके बाद मेरा इतना फीवर था गाइस, बहुत ज़्यादा फीवर था। टैबलेट ली थी मैंने, पैरासीटामोल की। मुझे नाइट में मुझे नहीं मालूम कब सोई हूँ मैं, कब क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मॉर्निंग में मैंने बस अभी ब्रेकफास्ट किया है ब्रेड सैंडविच का, और अभी व्लॉगिंग भी नहीं हो रही थी गाइस मुझसे, तो अभी मैंने आपको बताया कि अभी टैबलेट ली है मैंने, और अभी मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। यहाँ पूरा बॉडी पेन कर रहा है बहुत गंदे तरीके से, पूरा बॉडी पेन है, पूरा बैक पेन है, और हेडेक बहुत है, हेड बिल्कुल हैवी हो रहा है, गला ख़राब है, खांसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही है। तो गाइस आप बने रहिए मेरे साथ, मैं अभी डॉक्टर के पास जाऊँगी तो कुछ फ़ायदा पड़ेगा, तो अच्छे से व्लॉगिंग करूँगी, इसीलिए व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ मैं। चलिए मैं आपसे बातें बात करती हूँ, उसे बात नहीं हो रही है गाइस। तो गाइस कशिश दी की जैसे कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उनको बहुत बुरा फीवर है रात से, जब से हम वाटर पार्क से आए हैं, और मैं आपको मिला देती हूँ। आ चुकी हैं, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे लग रहे हैं मासी आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। और जैसे कि दी की तबीयत ख़राब है, पर अभी हमारे यहाँ पे मासी लेकर आई हैं जलेबियाँ, जो कि दीदी की फेवरेट हैं, और अभी उनका रिएक्शन देखते हैं। कशिश देखो जलेबियाँ आई हैं। मेरा मास्क दे दो, मास्क मास्क हेलो। चले भी है बाद में खाती हूँ, खा मत लेना सारी। देखो मुझसे तो खप जाएंगे, मैं तो खा लूंगी, थोड़ा मेरे लिए रख देना। ठीक है, लगी है अभी जलेबी तो उसमें। बर्फी कौन लाया है? आप लाए हो, बनाइए घर पे। यस, ओ होममेड बर्फी। सच नहीं, मैं अरे घर की नहीं दिख रही तुझे, बाहर की तो वाइट होती है ना, घर का मावा जो होता है वो रेडी होता है करने, तो बर्फी अलग दिख रही है। तो ये मेरे लिए रख देना गाइस, ताने सारी खा जाएगी, ये लो रख दो मेरे लिए। ओके गाइस, अब मैं से खा लेती हूँ, इनको कौन दे रहा है वैसे भी जलेबी। बेस्ट थिंग एवर, मेरे फेवरेट कुकीज जो कि मासी लाई हैं, यस जेम वाले, माय फेवरेट, बहुत ज्यादा फेवरेट। जब भी मैं जाती हूँ इनके यहाँ पे हमेशा। आपकी नहीं आया? मैंने भी नहीं, हम मैं इनको हॉस्टल ले जाऊंगी और अकेले चुपचाप बैठ के खाऊंगी। यहाँ पे खोलेगी इसको, मैं भी नहीं, कोई यहाँ पे नहीं खुलेगी, यहाँ पे तो बढ़ जाएगी। लगे आई है। तो गाइस तो हम जलेबी कर रहे हैं इंजॉय, और कश को गाइस वैसे ही बीमार पड़ी हुई है, पर तब भी इनको खाने की नजर में बहुत ज्यादा वो है। मैडम ने बोला है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, थकावट की वजह से हो गया। और गाइज यहाँ पे मैं नारियल पानी ले रही हूँ, बिकॉज मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप नारियल पानी पीजिए, तो यहाँ पे मैंने नारियल पानी लिया है, और नारियल पानी पीने के बाद उसमें जो मलाई बचती है वो मैंने भैया से बोल के पैक करा रही हूँ मैं उसको। आप देख सकते हो कि नारियल पानी पीने के बाद जो मलाई बचती है वो मैंने खाई नहीं है, वो मैंने पैक करा ली है। जी हाँ गाइज, फाइनली मैं दवाई ले आई हूँ डॉक्टर से, और अभी इतनी सारी दवाइयाँ खानी है मुझे, और उसके बाद मैं फिर से मैं अच्छी हो जाऊँगी। चलिए तो मैं टैबलेट ले लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। आफ्टर टैबलेट मेरे को इतना फ़ायदा पड़ गया है, काफ़ी फ़ायदा पड़ गया मुझे, और दीदी ने बोला कि अगर तुम्हें फ़ायदा पड़ गया है तो अभी तुम अच्छे से फील करो और कहीं घूमने चलते हैं। Hi guys, we are moving ahead to see a... तो इन लोगों ने यही बोला मेरे को कि चलो थोड़ा मूवी वूवी देख के आते हैं, पड़े गाइस इनकी आज तबीयत खराब थी, तो हमने इनको सजेस्ट किया कि मूड सही करने के लिए चलो मूवी देखने चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेकअप भी किया है मैंने, क्योंकि अच्छा फील होता है कि अगर आप फीवर। गाइस मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया। नहीं, मैंने तो किया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और दीदी ने ये बोला मुझे कि तुम मूवी वगैरह देखने चलो, ऐसे बिस्तर पर पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। टैबलेट लिया, फ़ायदा पड़ा मेरे को टैबलेट से, और जैसे ही फ़ायदा पड़ा हम लोग इन्जॉय करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा लेजी फील कर रही हूँ। हेलो गाइस, मैंने इसे बोला कि पड़े और ही बीमार होना है, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो गाइस हम लोग देखने जा रहे हैं मूवी, कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं ये है एक छोटा सा सीक्रेट, जो कि बहुत ही जल्दी रिवील हो जाएगा। बने रहिएगा कशिश चावला के साथ। बाय।
गाइस हम लोग आ चुके हैं और आपको मैं दिखा देती हूँ और मैं थोड़ा रिवील भी कर देती हूँ कि मैं क्या करने आए हैं। और यहाँ पे हम लोग देखने आए हैं मूवी। अब कौन सी मूवी देखने आए हैं, वो जो सीक्रेट था वो मैं ओपन कर ही देती हूँ। जी हाँ, यस, तो हम लोग देखने आए हैं। और चलिए गाइस थोड़ा सा फोटो सेशन कर लेते हैं, उसके बाद मूवी स्टार्ट होगी, तो बस मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे दीदी रेडी हो चुकी है फोटो सेशन के लिए। देखिए फोटो सेशन के लिए रेडी हो चुकी है दीदी, क्या लग रही है मूवी देखने के लिए। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी एक्चुअली, तो मैं वेट ही कर रही थी कि दीदी आए, और उसने भी बोल दिया कि घर पे पड़े हो क्या करोगे, फीवर है, बस यहाँ आके थोड़ा फ्रेश हो गई मैं। चलिए बने रहिए मेरे, फाइनली मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए। ये वाओ गाइस मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगेगा मूवी देखने में, ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग मूवी देखने आए हैं। चलिए गाइस स्टार्ट होने तक अभी आप बने रहिए मेरे साथ। मूवी स्टार्ट हो चुकी है गाइस, स्टार्ट हो चुकी है मूवी। നിങ്ങളെ കണ്ടത് വെറുമൊരു സിനിമയല്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, എന്തെങ്കിലും ഉടനെ फाइनली मूवी देख ली हम लोगों ने, और सच में मूवी बहुत ही अच्छी थी, बहुत इमोशनल थी। പക്ഷേ ഈ സിനിമയെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഇത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന നിങ്ങൾ അറിയൂ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനപ്പുറം ഇനിയൊരു പെൺകുട്ടിക്കും എന്റെ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഫുൾ പൈസ വസൂല മൂവി ബഹുത് അച്ഛ സബ്ക്കു ദേഖനി ചെയ്യേ, ജാത്തർ ഗേൾസ് കു ജാത്തർ ദിഖാനി ചെയ്യേ, അച്ഛി മൂവി ആണ്.